नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हुआ, आज हम बात करेंगे टोटल 3 वैकेंसीज की जिसमें से 2 के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, वहीं 1 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। जिस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा वो आई है हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर 10वीं पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी मिलती है 10वीं पास को 20,200 रुपये पर मंथ, वहीं कोई भी ग्रेजुएट को सैलरी मिलती है 34,800 रुपये पर मंथ। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 35 साल जनरल वालों के लिए, SC ST OBC को प्रेफरेंस दिया गया है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स और आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें और अगर आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं तीनों वैकेंसीज के डिटेल्स वन बाय वन। वीडियो पूरा देखें, एक वैकेंसी देखकर ना जाएं, तीनों देखकर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली वैकेंसी आई इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें 207 MTS के पोस्ट है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांग गई है 10वीं पास, सिलेक्शन बेस्ड है, इंटरव्यू पर सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा। आयु सीमा 18 से 40 साल, सैलरी मिलती है 16,962 रुपये पर मंथ और इसको अप्लाई करने का डेट है 19 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में और अप्लाई करने का लिंक यहाँ शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है बिजली विभाग से। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 322 स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड लाइनमैन के पोस्ट हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है ITI, डिप्लोमा या फिर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू पर, आयु सीमा 18 से 32 साल, सैलरी मिलती है 22,605 रुपये से लेकर 34,030 रुपये पर मंथ और इसको अप्लाई करने का डेट है 19 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में, अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। और दोस्तों आज हम जिस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे वो आई है हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट में। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 341। कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जॉब टाइप है गवर्नमेंट जॉब, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। और अगर पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर पहला पोस्ट है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का और इसके लिए टोटल वैकेंसी है 23, आयु सीमा 21 से 35 साल, इसके लिए क्वालिफिकेशन है कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, स्टीनोग्राफी आनी चाहिए, 100 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में आपकी शॉर्ट एंड होनी चाहिए एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलती है इस पोस्ट के लिए 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, इसके लिए टोटल वैकेंसी है 277 और इसके लिए आयु सीमा 21 से 35 साल, क्वालिफिकेशन इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सैलरी मिलती है 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये पर मंथ। दोस्तों यहाँ पर थर्ड पोस्ट है ड्राइवर का, ग्रेड 4 से, इसके लिए टोटल वैकेंसी है 41, आयु है 18 से 35 साल, क्वालिफिकेशन है 10वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 5 साल का, सैलरी मिलती है 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पर मंथ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन बेस्ड है रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू पर। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए अप्लीकेशन फीस है APS ARO पोस्ट के लिए 750 रुपये, ड्राइवर पोस्ट के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए अप्लीकेशन फीस है APS ARO पोस्ट के लिए 500 रुपये, वहीं ड्राइवर पोस्ट के लिए 300 रुपये। जॉब लोकेशन है उत्तर प्रदेश, अप्लाई करने का डेट है 18 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2019 तक, मिस प्रिंट है यहाँ पर और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है।